हाल ही में गन्ने की नवीन किस्म स्वीकृत हुई है, कोसा 17231। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब हम लोग आएंगे, चाहेंगे आइए खेत में ही हम चल के दिखा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले रिलीज हुई है, कोसा 17231 अर्ली वैरायटी है, गेटी किस्म है। तो यहाँ पे आप लोग इसके डॉक्टर इसके पहचान के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो ये वैरायटी क्या क्या पेरेंट इस्तेमाल हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक साउथ की वैरायटी है COV 89101 और COS 96260, यानी एक हमारे उत्तर भारत की वैरायटी और एक दक्षिण भारत की। तो ये कम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया है इसमें। उत्तर भारत की वैरायटी हम लोग इसलिए लेते हैं जिससे कि स्टेबल रहे वैरायटी। और इस वैरायटी में खास बात ये है कि इसका जो अगोला है अप्रैल तक बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखे, किसी तरह की कोई जो है ड्राइनेस नहीं आएगी। और इसमें भी अब हम अभी जो आर्किल की बात कर रहे थे, ये आर्किल इनर वाला आर्किल, जैसे ये पत्ती बाहर है, ये इसके अंदर दबी हुई है। तो ऐसे करके जब जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये लांग और लैंसियोलेट भालाकार आर्किल इस वैरायटी में पाया जाता है, वो भी केवल एक तरफ है, एक तरफ कोई आर्किल नहीं है, हल्का सा है इसको कह सकते हैं, बल्कि एक ही तरफ की गन्ने का कान कह सकते हैं। हाँ, एक तरफ कान इसका होता है, दूसरी तरफ नहीं कान, आलिंद कर्ण का मतलब कान से ही है, कान है। एक तरफ कान है लंबा और ये भाला काट है। इस पे भी कोई कांटा नहीं होता है, स्पाइन अब्सेंट जी। जो कांटा जैसे 767 वैरायटी हम लोगों की थी उस पे स्पाइन पाया जाता है, छीलने में प्रॉब्लम होती थी जी। तो वो चीज इस वैरायटी में नहीं है, कांटा किसी भी प्रकार का नहीं है। और इसका जो फोलिएज है, पत्तियों का लगाव जो है, देखिए 2-3 पत्ती बीच की खड़ी रहती है इसमें। हाँ, ऊपर की जो 3 पत्तियां वो खड़ी हैं। हाँ, बाकी पत्ती झुकाव लिए हुए होंगी। तो ये वैरायटी लगभग POL के 14201 में भी 2-3 पत्ती खड़ी रहती है, बाकी पत्ती झुकाव लिए हुए होती है। उसी तरह का फोलिएज इस वैरायटी में भी दिखता है, लेकिन ये जो कर्लिंग है, ये वाली ये पत्ती जो मुड़ी हुई है, ये करीब 15-20 सेंटीमीटर पत्ती इसकी मुड़ी हुई रहती है। मतलब पत्तियां ये जो है डॉक्टर साहब, इसको ये कह सकते हैं कि पत्ती का दोनों किनारा अंदर की ओर ऐसे मुड़ा, ऐसे करके रोल्ड रहता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ये मुड़ा हुआ यहाँ पे देखिए, ये करीब 20-25 सेंटीमीटर हुई जी रहता। अब आते हैं पोरी पे। पोरी में भी ये नीचे का जो भाग होता है, ये वाला, जैसे ये नीचे पूरी स्टार्ट हुई यहाँ से, तो नीचे का भाग थोड़ा सा पतला है और ये ऊपर चौड़ाई लिए हुए है। ये ओप कोनाइडल कहलाता है, जैसे नीचे पतला ऊपर थोड़ा चौड़ा, ये नीचे पतला ऊपर चौड़ाई लिए हुए है। ये बिल्कुल क्लियर, जैसे 118 कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जैसे 118। हाँ, 118 की भी पूरी, 118 का थोड़ा यहीं से फुटॉल, ये यहाँ जाके थोड़ा मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। हाँ, इस जगह पे। और इसमें भी कोई बर्ड ग्रुप जनरली नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी गन्ने पे पाया जाता है। बर्ड ग्रुप मतलब ये जो नाली है, नाली आँख के पास। हाँ, यहाँ पे नाली है, ये नाली यहाँ पे नहीं है। हाँ, और इसको अगर ये डॉक्टर साहब, ये जो है वृद्धि वाला ग्रोथ रिंग जो है, ये थोड़ा मोटा है, ये अगर कह सकते हैं, ये ग्रोथ रिंग जो है, ये ग्रोथ रिंग चाहिए। ये ग्रोथ रिंग उभरी हुई नहीं है इसकी। अच्छा, जैसे CO0238 में ये ग्रोथ रिंग उभरी हुई होती है, या आपका 14201 में ज्यादा कलर लिए हुए येलो कलर होता है जी। इसमें थोड़ी डल है जी। और गन्ना हल्का सफेदी लिए हुए होता है ये।
बट इसकी भी डॉक्टर, बट इसकी त्रिभुजाकार है जी और चिपकी हुई, चिपकी हुई है। हाँ, इसमें भी हल्के से विंग पाए जाते हैं। ये अभी नवीन स्वीकृत किस्म है, अभी इसका बीज वितरण अगले वर्षों में होगा। यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ये इसकी बड है, इस पे हल्के से एवरी मार्किंग पाए जाते हैं कि हाथी दांत जो होता है उसके ऊपर जो हल्के हल्के निशान पाए जाते हैं वो एवरी मार्किंग कहलाते हैं, तो वो चीज इसमें पाई जाती है हल्की कहीं कहीं पे जी। गन्ना इसका भी ठोस है, इसी तरह का कोई पिक नहीं है जी। और इसकी जो औसत उपज है वो 84 टन प्रति हेक्टेयर की है। पेड़ी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, करीब 780 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है पेड़ी की। अगेती किस्में ये भी बहुत अच्छी किस्में, नवीन किस्मों की अगर बात करें तो अगले वर्षों से इसका बीज वितरण होगा। और हम आगे बात करते हैं नवीन किस्मों की।